होगा 1000, ठीक है जी। अब तीनों प्लस करो तो कितना आएगा? पावर थ्री को अब चलो पीछे रोज का नियम बना लीजिए। किससे आते हो जी तुम लोग? इसको प्लस कीजिए 7 to 8। और ये देखिए किसका स्क्वायर होगा? 12 का स्क्वायर क्यूब बनेगा। y इक्वल देख लीजिए 12 का क्यूब बने रहा है कि नहीं? कल से अगर 5 मिनट पहले नहीं पहुंचे तो एंट्री नहीं होगी, पूरा पीरियड बाहर होगी। और उसके बाद गेट पर ही रुक जाओ, रुकवा देंगे वहीं। या तो सुधर जाओगे या तो फिर टाइम जाओ। हाँ देखिए, इसमें एक बार समझ लीजिए, इसमें 3 स्पेयर्स हैं और इन तीनों को मेल्टिंग करके मतलब पिघला करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है। मेल्टिंग करने का मतलब यहाँ पिघला करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है। एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का है 8 सेंटीमीटर, तीसरे का है 10 सेंटीमीटर। जब पिघलाएंगे तो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। और इसका रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो प्लस के बराबर होगा। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, तो तीनों का प्लस कर दिए हैं और 4π कॉमन लेके काट दिए हैं, बाकी आर की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें ये 20 मीटर डीप बेल एक कुआं है विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल होता है, वेल है और इसकी जो है डीप कितनी है? 28 मीटर, ठीक है जी। तो इसकी हाइट हो जाएगी 28 मीटर, रेडियस इसका है 7 मीटर, 7/2 हो जाएगा, डायमीटर दे रखा d = 7 मीटर तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। ये आपका बेल हो गया। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? अच्छा ये 20 मीटर है। हाँ अब इसमें देखिए जो मिट्टी निकाला जा रहा है, अर्थ का यहाँ मतलब है मिट्टी से। देखिए जो आपका ग्लोब होता है उस अर्थ की अगर बात करें तो कैपिटल ई होगा और जो मिट्टी होती है वो स्मॉल ई से लिखा जाता है, दोनों में यही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो जो इस अर्थ की बात हो रही है वो मिट्टी से है और ये मिट्टी निकाल करके आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म में क्या होता है? लेंथ, ब्रीथ, हाइट होती है,
तो लेंथ इसमें दे रखा है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर और हाइट हमें इसका पता नहीं है। तो इसका हाइट आप इसको H1 क्या कर लीजिए और इसको आप ऐसा करो कैपिटल में कर लो, नहीं चलो ठीक है ये अच्छी कर लेता हूँ, ये हमें मालूम है। तो हमें हाइट बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आउट ऑफ द वेल, आउट ऑफ द वेल मतलब वेल से जो मिट्टी निकाला गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वन मैंने लिया और इसका क्या होगा एल बी एच, क्यों जी यही तो होगा। अब इसका लेंथ कितना है 22 है, 14 है, एच है हो गया पाई 22 बाय 7, रेडियस 7 बाय 2 और एच वन है 20, ठीक है। अभी एक 7 से 7 आप काट दीजिए, एक 2 से ये काट देंगे 11 आएगा, इससे ये काट देंगे 10 आएगा, तो बनेगा 11 7 10। और देखिए इधर जो आपका मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ठीक है। हाँ, तो इस 11 से इसको काट दीजिए 2 आएगा और इस 7 से इसको काट दीजिए 2 आएगा, तो और इस 2 से 10 को काट दीजिए 5, तो 5 बाय 2 मतलब 2.5 मीटर इसकी प्लेटफॉर्म की हाइट हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मिठाई कौन यहाँ लेके आया था, आप ही लोग लाए थे? नहीं तो खाए और फिर यहीं पर गंदगी फैला दिए। बहाना मारता है कि टीचर सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, एक कुआं यहां भी
देखिए खोदा जा रहा है डक, इसकी इसकी हाइट है 14 मीटर, डायमीटर है 3, तो 3/2 इसका रेडियस हो जाएगा। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैड बीन स्प्रेड इवनली ऑल द अराउंड ऑफ द शेप ऑफ द, देखिए इस तरह से एम्बैकमेंट बनाया जा रहा है। एम्बैकमेंट में होता है चबूतरा, हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से मिट्टी फैलाई जा रही है। देखा होगा गांव में ऐसे रहता ना, तो इस तरह से अब इसकी हाइट देखिए, अंदर वाला रेडियस है 3/2, कितना है अंदर वाला रेडियस कितना है, हाँ, R=3/2 meter है। तो इसकी जो विड्थ है 4 meter, ये इसमें जो चौड़ाई है इसकी कितना है 4 meter, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 4 + 3/2, ये आप कह सकते हैं 4 + r, ठीक है, तो ये कितना है 11/2 meter आ जाएगा। हाँ ठीक है, कैपिटल R आपको मिल जाएगा यहां से यहां तक कैपिटल आ रहा है और ये आप स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, तो वो भी तो एक सिलेंडर ही बनेगा जो साइड में मिट्टी ये आपका जैसे यहीं तक है, मान लो इतने ही मिट्टी फैलाया जाएगा, क्यों, तो वो भी एक सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसकी हाइट पूछ रहा है। अब इस हाइट को हम, अच्छा इस हाइट को कैपलेज ले लेते हैं, वेल का मैं हाइट कैपलेज ले लेता हूँ। अच्छा स्मॉल आर लिए हैं, चलो स्मॉल अच्छी ले, कितना है 14 मीटर, और इसकी हाइट को मैं कैपलेज ले लेता हूँ ये एम्बैकमेंट को, ठीक है। हाँ तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द एम्बैकमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, वेल से जो मिट्टी निकाली गई है उसकी जो वॉल्यूम है वो एम्बैकमेंट में जो मिट्टी लगी है उसकी मिट्टी के इक्वल होगा। अब दोनों का हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर दोनों ही सिलेंडर होगा, तो जो मिट्टी निकाली गई है, अच्छा एम्बैकमेंट का क्या होगा, सिलेंडर ही बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच मैंने लिया, हाँ, और इसका क्या होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच होगा, हाँ, मिट्टी का जो कुएं से निकाली गई है, तो पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर कितना होगा 3/2, नहीं इस मिट्टी में, एक मिनट रुको, इसमें देखिए ये जो एम्बैकमेंट में जो मिट्टी लगेगी ये एक्चुअल में कैसे करेंगे, देखिए इसकी जो मिट्टी का वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए ये वॉल्यूम माइनस अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा यहां फिर से देखिए, जैसे पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ही होगा ना, इधर लेफ्ट साइड में देखो, पहले ऐसे देखो, जब ये मिट्टी निकालोगे तो हाइट तो सेम रहेगी,
लेकिन ये वाली जब एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं करोगे, बेस की एरिया, इस मिट्टी को निकालना, बीच वाली एरिया अगर निकालनी तो कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे कि नहीं भाई, ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर है, तो हमें बीच वाली एरिया कैसे निकाली जाती है, पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर वाला माइनस करेंगे तो बीच वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब हाइट, हाइट जो एम्बेडमेंट है, हाइट तो एच ही कैपिटल लिया गया तो हाइट तो सेम ही होगा ना, एच बाहर ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, बोलो एम्बेडमेंट की एरिया वॉल्यूम तो यही होगा ना भाई, बेस की एरिया में कैसे निकालोगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करते भी नहीं, इन टू हाइट करोगे, ये समझ में आया। अब वेल का जो वॉल्यूम है इसका क्या वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच, तो अब यहां से पाई को हम लेके काट सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बाई काट दो, कैपिटल आर आपका है 11 बाई टू का स्क्वायर, 3 बाई टू का स्क्वायर, कैपिटल एच हमें पता नहीं, इम्बैकमेंट की हाइट कहां पता है, मालूम है नहीं मालूम, स्मॉल आर कितना है 3 बाई टू का स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल एच मिल जाएगा, कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ इम्बैकमेंट है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, ए प्लस बी है माइनस बी लगा दो, हाँ लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी और कैपिटल एच थ्री क्या 9/4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहां से देखिए कितना आएगा, 7 आ जाएगा 14/2 और यहां से 8 माइनस 8/2 4 आ जाएगा, इंटू एच 9/4 इंटू 14 तो कैपिटल एच इक्वल 7/4, ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जाएगा 2 और इस 2 से इसको काट दीजिए 2, हाँ तो कितना आया 9/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर, अब 9 में 8 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, हाँ डेसिमल 0, फिर उतारो कितना आएगा 2 और फिर 5 आएगा, हाँ 1.125 मीटर, अब देख लो आंसर, राइट आंसर आया। तीन डिजिट से निकाला मतलब मिलीमीटर में भी बता दिया आंसर। जैसे बच्चों को बहकाते हैं वैसे बहका रही हो, ये कोई पढ़ाई है,
मैं क्या बताओ चित्र देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर दे रखा है सर्कुलर सिलेंडर और इसमें आइसक्रीम बना हुआ है। इसमें डायमीटर है 12 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हाइट। इसको कैलकुलेट निकल लीजिए अभी से क्योंकि इसी से निकाला जाएगा कैपिटल आर कर लेते हैं और हाइट इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर इसमें आइसक्रीम है पूरा भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ द हाइट फिर इसको आप कोन में इस तरह से आइसक्रीम भरेंगे नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच बी फिल्ड विद आइसक्रीम तो कितने आइसक्रीम इस तरह से तैयार होंगे बात समझ रहे हैं। अब इस कोन के बारे में देखिए क्या क्या दे रखा है और हेमिस्फीयर के बारे में इसमें क्या होता है एक हाइट होती है एक रेडियस होगा अब इसमें कोन की हाइट है 12 और रेडियस है इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा ना स्मॉल इक्वल 6 सेंटीमीटर क्यों जी तो रेडियस कितना होगा मतलब स्मॉल आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्मॉल एच हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तो जो कोन का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा हाँ तो अब कितने आइसक्रीम बनेंगे कितने कोन कोनिकल आइसक्रीम कितने बनेंगे उसको आप एन ले लीजिए तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम नंबर ऑफ कोनिकल आइसक्रीम बी एन तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम कोनिकल आइसक्रीम इक्वल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन 6
सिलेंडर। अब सिलेंडर में जितना आइसक्रीम होगा उसी को तो कोन के अंदर भरेंगे, तो n इसका कोन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वन बाई थ्री ही बोला है, पाई आर स्क्वायर फैक्टर एच। अब समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया जी, n कोनिकल आइसक्रीम है तो इसका वॉल्यूम इक्वल इसका वॉल्यूम, पाई से पाई आप काट दीजिए, और n भी देखिए n की वैल्यू निकालना है तो r स्क्वायर फैक्टर एच बाई देखिए 3 ऊपर चला जाएगा और r स्क्वायर बाई स्मॉल एच, ठीक है जी। अब सारी वैल्यू इसमें भर देना, 3 फैक्टर r कितना है 6 इंटू 6, फैक्टर एच कितना है 15 और स्मॉल आर है 3 इंटू 3 और यह है 12। बस इतना कर लीजिए, आप सॉल्व कर लेना घर पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी को काट दीजिए आंसर, काट लेंगे ना इसको। हाँ देखो कैसे मैं पकड़ता हूँ, बगल वाले सीखा करो कुछ, मैं पकड़ने का डर नहीं है। हाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, जो क्वाइन होता है वो किस शेप का होता है, सर्कल होता है, स्फीयर होता है, कैसा होता है जी, सिलेंडर टाइप होता है। कोई भी क्वाइन होगा तो उसमें हाइट होगी नहीं होगी, हाँ ऐसा तो होता है, इसमें हाइट होती है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता बट होता है, ठीक है। अब इसमें सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर है 1.75, इतना नहीं पता है तो क्या मैथ्स पढ़ोगे, थिकनेस इसकी हाइट है, अच्छा रेडियस बताओ, रेडियस कितना आएगा 1.75 बाई 2 कितना आएगा जी, 0.8 15.75 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। हाइट इसकी कितनी है 2 mm 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर में बताओ कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर, क्या जी अच्छा एक पॉइंट हो गया, एक क्यूबॉइड हमारे पास है, क्या है क्यूबॉइड, इसी को फुला करके क्वाइन बनाया जा रहा है, बहुत सारा क्वाइन बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ये क्यूबॉइड हो गया, ये मेटल सिल्वर है किसका बना है, सिल्वर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड चांदी का है और इसको क्वाइन बनाया जा रहा है, इसका लेंथ विथ हाइट 5.5 सब सेंटीमीटर में है, 10 है 3.5, ठीक है तो ये लेंथ विड्थ हाइट दे रखा,
तो हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, मतलब कितने बनेंगे इसके, इसको पिलाया जाए क्यूबॉइड को, जैसे आइसक्रीम का था, पिघलाने के बाद कितने क्वाइन बनेंगे, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ क्वाइन एन लोगे ना, लेट एन बी द नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइन क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्वाइंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसका होता है एल बी एच, कैलकुलेट कर लो, देखो इसका कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी, मैं कैपिटल कर लेता हूँ, क्यों स्मॉल और कैपिटल में थोड़ा डिफरेंस करेंगे तभी पता चलेगा, हाइट दोनों की अलग अलग है, तो यन सिल्वर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्यों जी, छोटे बड़े ज्ञान नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, इस घर में छोटे बड़े की इज्जत नहीं रहेगी, वो घर चलेगा, हाँ कितना मिनट चलेगा, 10 मिनट, हाँ तो कैपिटल एल बी कर लो, यहाँ छोटे बड़े आपको लिहाज करना पड़ेगा, देखिए पाई, पाई नंबर 22/7, रेडियस कितना है 0.22, इसकी हाइट कितनी, अरे नहीं रेडियस नहीं हाइट है, इसका है 0.875 0.875 0.2, कैपिटल एल 5.5 एम इंटू 3.5, हाँ एन, अब क्या करेंगे, हाँ जो इधर है, हाँ इधर उधर करना है आपको, इधर उधर करना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, चलो देखो 0.2 और 7 ऊपर जाए, बाकी सॉल्व करना, नोट करिए, आइसक्रीम भी पूरा बस आज इतना ही। इस साइड